हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं। कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति होती है, और यदि थकान ना उतरे तो कार्य करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे? तो फिर वो सफल क्यों है? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय है, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो। सफलता आपको मिलेगी। माधव, मुझे जाना होगा पार्थ। परंतु माधव। नहीं पार्थ, नियति मुझे पुकार रही है। माधव, आपने बताया नहीं कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप जा रहे हैं। प्रथम बार आपके मुख पर यह पीड़ा देख रहा। यही तो जीवन है पार्थ। आनंद के साथ पीड़ा, अंधकार के साथ प्रकाश, उत्थान के साथ पतन और निर्माण के साथ विनाश कहीं ना कहीं जुड़ते ही हैं पार्थ। आज हस्तिनापुर में नया आरंभ हुआ है, परंतु मुझे जाना होगा पार्थ, ताकि मैं एक अंत को, एक विनाश को रोकने का प्रयास कर सकूं। तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलिए माधव। महाभारत में आपने मेरा मार्गदर्शन किया था, और अब आपके मार्ग पर चलना मेरा अधिकार है। अवश्य पार, ये तुम्हारा अधिकार है, किंतु ये यात्रा केवल मेरी है पार, ये कर्तव्य केवल मेरा है, और मुझे इस यात्रा को अकेले ही पूर्ण करना होगा। अब मुझे जाना होगा पार्थ। स्वास्थ्य। ये क्या कह रहे हो अर्जुन? हाँ ज्येष्ठ, पहली बार मुझे माधव की कोई बात समझ में नहीं आई, परंतु इतना निश्चित है कि कुछ भयावह घटित होने का संकेत दिया उन्होंने मुझे। मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूँ ज्येष्ठ। मुझे द्वारका जाना होगा। यदि हम माधव के कुछ काम आ सकते हैं तो इससे अधिक सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या होगी।
शीघ्र द्वारका पहुंचो। जन्मदिन की बधाई हो मित्र। कृत वर्मा, स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारी ही प्रतीक्षा हो रही थी। वाह, क्या अद्भुत प्रबंध है। इतना सुंदर भोज मैंने कभी नहीं देखा। वाह, काहे का भोज मित्र? ऐसा प्रतीत होता है अद्भुत भोज किए हुए जैसे एक युग बीत चुका है। आओ श्री ने संपूर्ण द्वारिका में मदिरा पान और उसके विक्रय पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर मदिरा मिल जाती तो आनंद आ जाता। परंतु मित्र, उसके पीछे बलभद्र का कारण उचित था। ऋषि के श्राप का प्रभाव तो तुम देख ही चुके हो। उसने जो कहा वैसा ही हुआ। तुम्हारे गर्भ से मूसल का जन्म हुआ और श्राप था कि उस मूसल से यादवों का अंत होगा। और आज उस श्राप का प्रभाव उस मदिरा पर लगी रोक ने ही रोक रखा है मित्र। कृत वर्मा, प्रतीत होता है कि तुम मेरे पूजने पिताश्री के साथ रह रहकर प्रवचन देना सीख गए। वो मूसल नष्ट हो चुका है। काउसी ने स्वयं उसका चूर्ण बनवाकर सागर में बहा दिया। यदि आज मदिरा मिल जाती तो आनंद ही आ जाता। यदि कुमार आदेश दे तो जन्मदिन की भेंट प्रस्तुत करूं। बलभद्र से छिपाकर काशी से मदिरा मंगाई है। देखा कृत वर्मा, इसको कहते हैं जन्मदिन का उपहार। ये है मेरा सच्चा मित्र। आज मनेगा आनंद उत्सव। ये मेरे जन्मदिन पर मेरे मित्रों के नाम। काल सामने खड़ा तो उसे जाने को नमस्कार किया जाता, उसका आलिंगन नहीं किया जाता। ये मदिरा काल है आर्य, इसे ग्रहण ना करें। कृत वर्मा, एक बात तो माननी ही पड़ेगी। मेरे पिता श्री वासुदेव महान है। जो उनकी संगति में आता है वो भाषण देना तो सीख ही जाता है। लक्ष्मणा, यहाँ पर स्त्रियों का आना वर्जित है। ये केवल पुरुषों के लिए। राजमहल वापस लौट जाओ। इन पुरुषों में मेरे अर्धांग भी है आर्य, जो स्वयं ही काल के गाल में जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे। परंतु मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। लक्ष्मणा, तुम हस्तिनापुर से हो और इस बात की साक्षी हो कि जब स्त्री पुरुष के मत के सामने क्रोध बनकर खड़ी हो जाती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। जाओ यहां से, राजमहल वापस लौट जाओ। मैंने कहा राजमहल वापस जाओ। शुभ कार्य में विघ्न आते ही है मित्रों। इससे पूर्व कोई दूसरा विघ्न आए, इस दुर्लभ मदिरा को ग्रहण करो।
लक्ष्मणा, तुम अपने अश्रु मुझसे नहीं छुपा सकती हो। क्या हुआ पुत्री, क्या साम ने तुमसे कुछ कहा? यदि वो कुछ कह देते तो मैं सह लेती ज्येष्ठ पिताजी, तो वो जो करने जा रहे अश्रुपूर, साधु ने जो श्राप दिया था पूर्ण होने जा रहा है पिताजी। यादवों का विनाश रोकिए। अद्भुत, आज मदरा मिली पीने को, वो भी मन भर के। वाह। मैंने मद्यपान निषेध किया था, द्वारका के अंदर मदिरा लाने का साहस कैसे किया तुमने साम? तुम युवराज हो, द्वारका के अगले राजा, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है। और तुम सब साम के मित्र हो ना, तुम्हारा कर्तव्य है यदि युवराज के पद अनुचित मार्ग पर जाए तो उन्हें अनुचित मार्ग पर जाने से रोके, उचित मार्ग दिखाए। और तुम लोग स्वयं उसे अनुचित मार्ग पर जाने दे रहे हो, कैसे? ताऊश्री, जो कहना है मुझसे कहिए। इनसे क्या बात कर रहे हैं जो आपकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते? इनसे प्रश्न करके क्या लाभ? लज्जा नहीं आती तुम्हें साम? बड़ों की आज्ञा तुमने सदाई टाली है, अब राज आज्ञा का भी उल्लंघन करने लगे क्या? ताऊ जी, हर बात पे रोक टोक रोक टोक। क्या किया आपने अपने समस्त जीवन में? हाँ, दूध पिया, माखन खाया? ताऊश्री, अरे ताऊश्री, मदिरा तो चक्के देखिए, जीवन का वास्तविक आनंद तो इसमें है। आप मदिरा पिएंगे तो आपको भान हो जाएगा कि आपने अनुज के दाव बनने के अतिरिक्त भी इस जीवन में और बहुत कुछ है। बड़े होकर जन्म लिया आपने, मदिरा पीजिए, अपने बड़े होने के पद का और उसकी शक्ति का भी भान हो जाएगा आपको। लीजिए। साम, दाव का अपमान करने का दुस्साहस मत करना। परिहास और उपहास में अंतर होता है साम। परिहास संग में उपस्थित सबको आनंद देता है और उपहास किसी एक को पीड़ा देता है। और तुम्हारा उपहास इस समय जिनको पीड़ा दे रहा है वो मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, मेरे दाऊ है साम। और मैं कौन हूं? हाँ, कौन हूं मैं? पुत्र या को पुत्र? आपको तो सदैव अभिमन्यु जैसा पुत्र चाहिए था। कभी उसे मामा बनकर सिखाया तो कभी मित्र और सखा बनकर पांडवों को संभाला, परंतु ये भूल गए कि आपका भी एक पुत्र है। स्मरण है आपको? स्मरण है? नहीं, आपको स्मरण है? आपको स्मरण है कि आज आपके पुत्र का जन्मदिन है, परंतु ये भूल गए कि आज के दिन अपने पुत्र से प्रेम से मिलने आना चाहिए, ना कि इस प्रकार
कटुमुख बनाकर। ये उत्सव संपन्न हुआ, आप सब जाओ यहां से। कोई नहीं जाएगा। ये उत्सव मैंने रखा है और ये कब संपन्न होगा इसे मैं निर्धारित करूंगा। तुम इस समय मदिरा के मध में हो साम, ये समय वार्तालाप करने के लिए उचित नहीं है। जाओ, जाकर विश्राम करो, कहीं ऐसा ना हो कि संपन्न होने के स्थान पर इसका समापन हो जाए। मत में तो अंधे आप भी है वासुदेव। महाभारत की विजय का मत अभी आपके सर से उतरा नहीं है वासुदेव। उचित कहा सामने वासुदेव, ना आप महाभारत की विजय से विमुख हो पा रहे हैं और ना पांडवों के प्रति प्रेम से। पांडवों से इतना प्रेम था आपको कि अपने ही यादव कुल का ध्वंस कर बैठे। अपने ही कुल की यादव सेना का, नारायणी सेना का उन पांडवों के हाथों विध्वंस करवाते रहे और उस अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और भोले भाले यादवों के रक्त से कुरुक्षेत्र को नहलाते रहे और बताते रहे उस अर्जुन को कहां कौन सा अस्त्र चलाना है। क्यों वासुदेव, क्यों? अपने सखा के लिए, अर्जुन के लिए क्यों? क्यों इतना प्रिय है वो आपको, क्यों? कभी कभी मुझे लगता है कि ये सखा और ये सखी ये सब नाटक है। प्रतीत होता है जैसे पंचाली के छठे पति आप स्वयं हैं। जान रहे, महाभारत इसलिए हुई थी कि एक निर्दोष स्त्री पर लांछन लगाया गया था। यदि कान्हा के चरित्र के विषय में किसी ने भी आप शब्द कहा तो इसी क्षण और एक महाभारत का आह्वान कर बैठूंगा मैं। वाह, प्रेम हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसे, एक को कुछ कहो तो दूसरे का हाथ उठता है। परंतु ताऊश्री, आप भूल रहे हैं, कृत वर्मा मेरे लिए भाई समान। एक तो आप मेरे जन्मदिन पर बिना आमंत्रण के यहाँ पहुंचे और दूसरा मेरे मित्र पर आपने हाथ उठाए।
इस दुस्साहस का दंड आपको अवश्य मिलेगा। सावधान साम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.